नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रिकेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश NHM के बारे में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में NHM द्वारा वैकेंसी का नोटिस आ गया है, तो इसमें कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब से फॉर्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, जरा सब्सक्राइब नहीं करना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, क्योंकि मैं आपको जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं यूपी में उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें हम आपको वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट पढ़ के रीड कराते हैं, दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं नेशनल हेल्थ मिशन की ओर। तो फ्रेंड्स, इसमें ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पर जाके डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उसको लॉन करते हुए जाना है और आपको जो फर्स्ट नोटिस दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दें, ये वाला जैसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2800 वैकेंसी ऑफ CHO, तो ये वाला रिक्रूटमेंट का नोटिस है, यहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस नोटिस को ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ये इसका नोटिस है। फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो हेल्थ फॉर नर्स यानी कि CCHN ट्रेनिंग द्वारा एप्लीकेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये CWC यानी कि होता है HWC होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये इसकी ओर से भी निकला है, जिसमें आपको देख सकते हैं कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वैकेंसीज की संख्या है इसमें 2800 वैकेंसी की संख्या है और आपको जो एप्लीकेबल आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, आप इसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, अब आपके पास इनमें से डिग्री या डिप्लोमा है। तो इनमें से डिग्री या डिप्लोमा की बात कर लें तो कौन सा होना चाहिए, GNM होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए या आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के बाद में कमेंट आने वाले हैं कि ANM वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो वो ANM वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी वो शामिल नहीं हो सकते, केवल हम बात कर लें GNM वाले, BSc नर्सिंग वाले और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले इस फॉर्म में शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी इसमें लोअर एज लिमिट नहीं दे रखी है, इसमें केवल अपर एज लिमिट दे रखी है, जिसमें 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि आप 35 वर्ष से ज़्यादा होते हैं तब इस आप वैकेंसीज में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो डिप्लोमा है वो आपका कहाँ से होना चाहिए, ये नर्स एंड मिडवाइफरी फ्रॉम UP नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। और इसमें टोटल की जो वैकेंसी संख्या है वो 2800 है, जो कि किसकी पोस्ट है, CHO की यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इसमें पोस्ट दे रखी है। और इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 30/6/2021 सुबह 11 बजे से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आ गया है, तो आप इस फॉर्म को जैसे ही आया था तो मैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करा सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट भी दे रखी है वो 20/7 यानी कि 20 जुलाई 2021 है, जो कि रात के 12 बजे तक इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, इस नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई पूरी कोशिश करने की करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।